एक पैर पे 2 घंटे रुका था मैं, तो ऐसी हालत हो गई थी। तो आप भी सावधानी रखें, आ रहे हो तो होली के दिन यहाँ पे। तो अंदर एंट्री हो चुकी है हमारी और ये दिखाई देता है अंदर से, आप देख सकते हो ऐसा भव्य नज़ारा दिखाई देता है। जय हो गोवर्धन महाराज की जय, बोल गिरिराज महाराज की जय, बोल बंसी वाले की जय। तो करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत महादेव के साथ, हर महादेव। और मैं हूं आपका दोस्त कपिल सारस्वत, भरतपुर राइडर। और अभी हम जा रहे हैं कीर्ति मंदिर। तो अभी मैं हूं बरसाना, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि बरसाना में होली चालू हो गई है और ढपला जो ढपली थी वो बजाई थी। तो यहां से स्टार्ट हो जाती है आज से होली, और 27 तारीख को लड्डू होली होगी, 28 तारीख को आपकी होली होगी लट्ठमार होली। तो बहुत तगड़ी भीड़ होती है यहाँ पे। मैं एक बार आया था तो पैर रखने की जगह नहीं मिलती, तो बुज़ुर्ग लेडीज परेशान हो जाते हैं इसमें। एक पैर पे 2 घंटे रुका था मैं, तो ऐसी हालत हो गई थी। तो आप भी सावधानी रखें, आ रहे हो तो होली के दिन यहाँ पे बहुत तगड़ा जाम हो जाता है। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं कीर्ति मंदिर और आपको दिखाते हैं प्रेम मंदिर और कीर्ति मंदिर। कृपालु महाराज की देन है और बहुत शानदार तरीके से बनाया हुआ कीर्ति मंदिर है। जैसे आपने प्रेम मंदिर देखा होगा मथुरा में, ऐसे ही कीर्ति मंदिर में रोशनी होती है, लाइटिंग होती है, बहुत शानदार गजब लगता है। तो बरसाना आए तो और शाम को कीर्ति मंदिर नहीं देखा तो क्या देखा। जय हो जो राधा रानी की माता थी वो थी कीर्ति जी। यहाँ पे जूते फूते उतार रहे हैं निःशुल्क, और ये देख सकते हो कीर्ति मंदिर। हाँ ये है कीर्ति मंदिर, यहीं खड़ी कर दें यार बाइक तो। कीर्ति मंदिर में यहाँ पे अपने जूते उतार के फिर चलते हैं, निःशुल्क सेवा है, आप भी रख सकते हो। तो दोस्तों ये है कीर्ति मंदिर, पीछे देख सकते हो बहुत ही सुंदर लगा है, और अंदर से दिखाते हैं फिर। तो ये है कीर्ति मंदिर, आप देख सकते हो, और लाइटिंग वगैरह बहुत शानदार हो रही है। अंदर चल के दिखाते हैं आपको कीर्ति मंदिर का भव्य स्वरूप। तो अंदर एंट्री हो चुकी है हमारी और ये दिखाई देता है अंदर से, आप देख सकते हो ऐसा भव्य नज़ारा दिखाई देता है और मज़ा आ रहा है देख के आपको। चलते हैं अंदर और चलते हैं। कीर्ति मंदिर कृपालु महाराज जी ने बनवाया था और स्क्रीन पर कृपालु महाराज जी चल रहे हैं, और पास में है रंगीली महल, वो भी काफ़ी शानदार है, पर हम उधर नहीं जा रहे, हम बस आपको कीर्ति मंदिर दिखाते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। ये देखिए ये कीर्ति मंदिर का देख सकते हो। तो ये है कीर्ति मंदिर का शाम का दृश्य। भैया ये यहाँ पे हमने टिकिया खा ली हैं, गोलगप्पे बड़े महंगे दे रहे हैं, 10 के 4 हैं। हाँ अब चलते हैं सीधे कीर्ति मंदिर से। राधे राधे। और प्रसाद ले लिया हमने, चले भाई बैठ गया। तो निकलते हैं, आई होप आपको कीर्ति मंदिर अच्छा लगेगा,
ये प्रेम मंदिर की तरह ही तर्ज में बना हुआ है। पर प्रेम मंदिर ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बहुत बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है और रोशनी भी काफ़ी अच्छी रहती है। अरे गाड़ी खिसके जा रही है, तो बहुत सी गाड़ी खिसके जाती है बरसाने से। जो दुखी मन से आते हैं ना घूमने के मतलब से, तो उनकी गाड़ी बंद हो जाती है बरसाने में आके। तो बोलो राधे राधे। तो लो जी हम आ गए गोवर्धन और दान घाटी मंदिर, आप देख सकते हो बहुत शानदार लग रहा है, रोशनी से लबालब नहाया हुआ। और हम जब तो दर्शन नहीं कर गए थे, अब कर रहे हैं दर्शन। हम चले गए थे बरसाना राधा रानी जी के दर्शन करने। जय हो गोवर्धन महाराज की जय, बोल गिरिराज महाराज की जय, बोल वंशी वाले की जय, जय जय श्री राधे। अरे राम जय हो वंशी वाले। Two hours later. तो हमारा ऑनलाइन चल रहा है डेटा, और इंस्टाग्राम पे भी हम लाइव चल रहे हैं। और टाइम हो गया 9 बज गए, हमने 9 बजे की बोला था घर से कि 9 बजे पहुंच जाएंगे, और बस पहुंचने वाले थोड़ी देर में।